दोस्तों ये रिफ्रिजरेटर है, इसको यहाँ से फ्रंट से डाल दीजिए। ठीक है, इसको पूरी तरह आगे तक सरका दीजिए। ये आपको दिखाई दे रहे हो यहाँ पे सुराख, इनसे पेच लगा दीजिए। मदरबोर्ड को आप पीछे से देख लेना, ठीक है, पीछे देख के लगा लेना, फिक्स आ जाए तब देख लेना इसके सभी नट बोल्ट सही है क्या। ठीक है, इनके नट बोल्ट लगा देते हैं। अब ठीक है, अब लगाते हैं इसकी हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क को मैं यहाँ पे नीचे नीचे इंस्टॉल नहीं करेंगे, इसको करेंगे ये बीच वाले पोर्शन में। इस तरह डलेगी, ये देख लेना नीचे वाले कनेक्शन है ना, इसकी सीट में ना आ जाए वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। इसको फिर मैं थोड़ा ऊपर देखता हूँ यहाँ पे फिक्स होती है क्या, यहाँ पे लग जाएगी लेकिन रैम नहीं निकलेगी हमारी। तो इसको नीचे नीचे वाले में देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसके सामने कुछ नहीं आ रहा है, इसको यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके लगाते हैं पावर सप्लाई। पावर सप्लाई पीछे से लगती है, ये खाली दिखाई दे रहा होगा आपको खाना, और इसको यहाँ से डाला जाएगा। ठीक है, इसको देखो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है ना, इसको थोड़ा सा मैच कर लेना, इसके साथ होगा ये मैच। तो इसको इस तरह करना पड़ेगा, ये ऐसे लग जाएगी। इसके पेच लगाने पड़ेंगे, थोड़ा सा मैं इसको रोकना पड़ेगा क्योंकि मैं हाथ से एक हाथ से काम ले रहा हूँ। देखिए मैंने ये लगा दिया है, एक ये लगा दिया है यहाँ पे, अब मैं तीसरा और लगा देता हूँ यहाँ पर।
ठीक है फ्रेंड, ये हमारी पावर सप्लाई भी कनेक्ट हो गई है। हम दोबारा आपको कनेक्शन बता देते हैं इनके। ये बड़े वाला, इस बड़े वाले के अंदर ठीक है, ये चार पड़ा इसके अंदर, ये वाला हार्ड डिस्क के अंदर। वैसे ये जाते नहीं है ऐसे सीधे, इनके थोड़े से कट लगे हुए होते हैं, इसी के हिसाब से डलते हैं। ये इसके अंदर चला गया, ये वाला डीवीडी राइडर का है, डीवीडी राइडर का ये डाल दिया इसके अंदर। अब रह गए ये बड़े, इसको इसके अंदर ठीक है। ये इधर ये दूसरा डी सी डी डीवीडी हार्ड डिस्क के पीछे, और ये इसके वाला लास्ट पोर्ट ये डलेगा यहाँ पे, ये दिख रहा होगा। ठीक है, अब रह गए यूएसबी फ्रंट के पिन, ये रहे इनके कनेक्शन करते हैं। ये ऑडियो वाला ठीक है, तो ऑडियो का एक इसका ब्लॉक है ये, और इसके नो खुले हुए हैं, तो नो इसके अंदर देख लेना आप। ठीक है, इसमें लगा देना है, ये लग गया है। यूएसबी वाला बचा है, यूएसबी वाला यहाँ पे डाल दो, बचे हैं आपके हार्ड डिस्क, और ये SW HDD रीसेट अगर अगर अब ये बचे हैं, इनकी आप फोटो देख लेना जो अभी लाई हुई है डिस्कटॉप पे, उसी के हिसाब से आप यहाँ पे दिया हुआ है इनका पोर्ट सामने, ये यहाँ पे इसमें लगा देना। तो थैंक्स फ्रेंड, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। Oh,